भागलपुर के न्यायालय परिसर में एक व्यक्ति हथियार लेकर घूमता नजर आया। इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने व्यक्ति से प्रतिबंधित क्षेत्र में हथियार ना लेकर घूमने की बात कही तो व्यक्ति मीडिया कर्मियों से उलझ गया। हालांकि बाद में उसने खुद को मीडिया कर्मी बताया। आपको बता दें, कोर्ट परिसर में हथियार के साथ प्रवेश करना वर्जित है। न्यायालय परिसर को फायर आर्मी घोषित किया गया है। केवल सुरक्षा कर्मी ही न्यायालय परिसर में आ सकते हैं। नियमों के अनुसार बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से शस्त्र लेकर विधिक सेवा परिषद में कोई नहीं घूम सकता। दरअसल वो जगह प्रतिबंधित है और किसी भी तरह का हथियार लेके वहाँ प्रवेश करना वर्जित है। अधिवक्ता अपने लाइसेंसी हथियार को लेके आ सकते हैं, लेकिन अन्य कोई लोग वो हथियार लेके नहीं आ सकते हैं, चूँकि कई बार आपराधिक घटनाएं घट चुकी है वहाँ पे। मोहम्मद आरजू की घटनाएं थी और कई घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें हत्याएं हुई है, गोलियां चली है, बम्बार्डिंग हुआ है उसको परिसर में। इस वजह से हम लोगों ने इसको प्रतिबंधित किया है। अगर इस पर भी अगर कोई इस तरह की बात करता है और कोई घुसता है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी, उसको हम चिन्हित करेंगे कौन लोग हैं। अच्छा, मोबाइल छीने का क्या था? मोबाइल तुमने, यदि वहाँ वो अपने आप को बताते हैं पत्रकार और मोबाइल छीनने का प्रयास किया जाता है तो इस पर किस तरह की संज्ञान आपके तरफ से? ये तो आपराधिक घटना है। आप लोग, आपको तो खुद FIR दर्ज कर देना चाहिए। वैसे लोगों पर आपको FIR दर्ज कर देना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, हम जहाँ तक हेल्प होगा करेंगे, हम भी लिख के देंगे SSB को। सुरक्षा को लेकर के अब किस तरह से आप लोग? नहीं, सुरक्षा को लेकर के तो हम चिंतित है ही वहाँ पर, और रियल में जो सुरक्षा होनी चाहिए वहाँ पर वो है नहीं। पुलिस प्रशासन का सुरक्षा को दृष्टि से के दृष्टि से काफ़ी ये है, कमी है वहाँ। मतलब ये हमने कई बार मांग किया है, हमारे ऊपर भी हमलाएँ हुई, धमकी मिली, लेकिन आज तक कई बार सूचनाएं दी लेकिन कहीं से ये नहीं। अब उसको लेकर आपके तरफ से क्या किया जाएगा, जिस तरह से हथियार नहीं? हम इस पर तहकीकात करेंगे। अगर हम फिर देखेंगे, CCTV फुटेज खंगालेंगे, अगर वैसा पाया जाता है तो हम उस पर कार्रवाई अपने स्तर से भी करने के लिए तैयार। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।